एक रीना नाम की लड़की थी, उसे टिकटॉक पर वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज किसी ना किसी चीज की वीडियो बनाती और टिकटॉक पर अपलोड कर देती थी। एक दिन रीना पहाड़ी जगह पर घूमने जाती है अपने दोस्तों के साथ। ये कितनी अच्छी जगह है ना? हाँ, वाकई में बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर कितनी हवा चल रही है, सच में। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। रीना अपने दोस्तों के साथ पहाड़ की सैर करने चली जाती है। जब रीना पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है तो वह टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगती है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वाह, कितना अच्छा वीडियो बना है। मैं एक और वीडियो बनाकर अपलोड करती हूँ। रीना जैसे ही वीडियो बनाती है तो उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और वह चुड़ैल बन जाती है। पर वह टिकटॉक पर वीडियो बनाना बंद नहीं करती है। वह उसी टिकटॉक आईडी पर रोज वीडियो बनाती है। जब लोग अपना टिकटॉक खोलते तो उन्हें उस लड़की की आईडी पर एक चुड़ैल की वीडियो दिखाई देती तो वे डर जाते हैं। एक लड़का टिकटॉक पर वीडियो बना रहा था। 10 बहाने करके ले गए दिल आए, 10 बहाने करके ले गए दिल। चुप चुप खड़ी हो, जरूर कोई बात है। कैसी मुलाकात है भाई, कैसी मुलाकात है। गड्डी जादी अच्छा लांगा मार दी, मैनू याद ना आए मेरे यार दी। वह वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर देता है। इसके बाद उसके टिकटॉक पर एक वीडियो आया जिसमें चुड़ैल एक लड़के को मार रही है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई, कोई है? अरे भाई, मेरी मदद करो। वो लड़का डर जाता है। अरे, ये कैसी वीडियो है? ए, इसमें तो चुड़ैल है। वह लड़का दूसरों को भी वह वीडियो दिखाता है। वह लड़का हैरान हो जाता है। लड़की तो मर गई है, तो इसकी आईडी कौन चला रहा है? ये बात सब जगह फैल जाती है और सभी लोग इसी बात पर चर्चा करने लगते हैं। एक दिन रमेश और सुरेश दोनों भाई टिकटॉक का वीडियो बनाने जा रहे थे कि उनके टिकटॉक पर उसी आईडी पर चुड़ैल ने वीडियो अपलोड की। वे दोनों उस वीडियो को देखने लगे। भाई देख चुड़ैल की वीडियो। ये एक लड़के को मारते हुए वीडियो बना रही है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई, कोई है? अरे भाई, मेरी मदद करो। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तू डर मत। बस ये वीडियो फेमस करने के लिए ये चुड़ैल का नाटक कर रहे हैं, जिससे इनको लाइक मिल जाए, और क्या है। सुरेश उस वीडियो को हटाने जा रहा था कि उस फोन में से एक हाथ बाहर आता है और वह सुरेश की गर्दन को पकड़ लेती है और उसके मरते हुए का वीडियो बनाकर अपलोड कर देती है। रमेश ये सब देखकर बहुत डर जाता है। चुड़ैल, भागो भागो वरना ये मुझे भी मार देगी। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। अरे गांव वालों, मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे। रमेश जैसे ही भागता है
वैसे ही चुड़ैल रमेश को पकड़ लेती है और उसे मारते हुए वीडियो बनाने लगती है और उस वीडियो को अपलोड कर देती है। अगले दिन चार दोस्त फोन चला रहे थे, उनमें से एक लड़का गाना गाता है, अगर तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, अरे पल पल न माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया, अरे मेरा जिया, आज इस जग का मंजन चखूंगा पिया। आज बड़े गाने याद आ रहे हैं, हैं? भाई कुछ नहीं, बस बहुत दिन हो गए, चलो टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं। हाँ भाई तूने सही बोला, बहुत दिन हो गए हैं टिकटॉक पर कोई वीडियो नहीं अपलोड करी, चलो वीडियो बनाते हैं। हाँ चलो बनाते हैं। वे लड़के टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगते हैं। ओ मैडम काजल वाली मुझे ना समझ मवाली, एक चुम्मा तो बनता है दिन 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 दिन, एक चुम्मा तो बनता है। वे लड़के वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद उन्हें एक वीडियो दिखाई देता है जिसमें चुड़ैल रमेश और सुरेश को मारती है। भाई देख, किसी लड़की की आईडी पर कोई चुड़ैल रमेश और सुरेश को मार रही है। अरे देखो, ये तो अपना दोस्त रमेश है और ये सुरेश है। हाँ भाई तूने सही बोला। वे लड़के बहुत डर जाते हैं और वीडियो को हटा देते हैं। वह चुड़ैल फोन में से निकलकर उन लड़कों को मार देती है, मेरी वीडियो लाइक नहीं करोगे मैं तुम्हें भी रमेश और सुरेश की तरह मार दूंगी। वह चुड़ैल उनको भी मार देती है और उनकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देती है, जो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और फॉलो नहीं करेगा मैं उसे ऐसे ही मार दूंगी। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इसका अकाउंट कैसे बंद करवाएं। वे लोग टिकटॉक वालों को कंप्लेन करते हैं कि इस लड़की का अकाउंट बंद करवाओ। टिकटॉक वाला उस चुड़ैल का अकाउंट बंद करने जा ही रहा होता है कि चुड़ैल उसको मार देती है, मेरा अकाउंट बंद करेगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन एक राजू नाम का लड़का अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर आया। उसके घर के लोग बहुत परेशान थे। क्या हुआ माँ, सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है। माँ बोलो ना माँ, क्या हुआ है? भैया ये सब इसलिए परेशान हैं क्योंकि, वह राजू को सारी बात बताता है। ऐसे कैसे हो सकता है, चुड़ैल टिकटॉक पर वीडियो बनाती है और जो उसकी वीडियो को लाइक नहीं करता उसे मार देती है, ऐसा नहीं हो सकता। भैया ऐसा ही है, वो चुड़ैल रोज नई नई वीडियो अपलोड करती है, किसी को मारते हुए तो किसी को उल्टा लटकाते हुए, और जो उसकी वीडियो को लाइक नहीं करता वो फोन में से निकलकर उसको मार देती है। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। राजू अगले दिन अपने फोन में टिकटॉक इंस्टॉल करता है। जब टिकटॉक इंस्टॉल हो जाता है तब वो सबसे पहले नई आईडी बनाता है। उसके बाद सबसे पहले उस चुड़ैल की वीडियो आती है। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई कोई है, अरे भाई मेरी मदद करो। राजू उसकी वीडियो को लाइक कर देता है और अपने फोन में से टिकटॉक कंपनी को कंप्लेन करता है कि इस नाम की टिकटॉक आईडी बंद कर। राजू बाकी सबको भी बोलता है कि सभी लोग अपने फोन से टिकटॉक कंपनी को कंप्लेन करें कि इस टिकटॉक आईडी को जल्द से जल्द बंद करें। नहीं भाई, पहले एक आदमी ने करी थी कंप्लेन, उस चुड़ैल ने उस आदमी को और जो उसका अकाउंट बंद करने वाला था उसको मार दिया था। भाई अगर तुम्हें भी जिंदा रहना है तो तुम भी मत करो। राजू की कोई बात नहीं मानता। फिर राजू उन सबको समझाता है और लोग राजू की बात मान लेते हैं। बोल तो ये सही रहा है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इसकी बात माननी होगी, तभी तो हम जिंदा रह सकेंगे। फिर सभी लोग टिकटॉक वालों को कंप्लेन कर देते हैं और जो टिकटॉक का मालिक होता है वो उस टिकटॉक आईडी को बंद कर देता है और उस लड़की का अकाउंट बंद हो जाता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं।